हाँ जी, सबसे पहले हम आते हैं इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर की तरफ। पहला चैप्टर जो हमने किया था, क्या था वो? वो था इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। हाँ, क्या? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, यहाँ पर इस चैप्टर में एक चीज समझ लेते हैं, अंग्रेजों ने जो हमें बर्बाद किया, बस पूछ रहा है कि कितनी बर्बादी करके गए थे वो हमारी। तो हमें क्या बतानी है यहाँ पर? बर्बादी बतानी है 1947 में हम कितने बर्बाद हो चुके थे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है फीचर्स। फीचर्स जिसके अंदर मैंने कहा था, इनको तीन फीचर्स को मैंने बांटा था। पहले तीन, अभी और भी हैं, आएंगे समय के साथ। पहले तीन जिसके अंदर सबसे पहले हमने रखा था एग्रीकल्चर, दूसरा था इंडस्ट्री और तीसरा था फॉरेन ट्रेड। तीसरा था फॉरेन ट्रेड। साक्षी प्लीज बोलना जरूर है ना, मतलब पीछे पीछे जो हम बोल रहे हैं ना, मतलब अंदर जो भी जैसे रिकॉल होता है ना बोलना है। देखो याद रखना, याद करने का एक ही बेस्ट तरीका है, जो कि तुम मुझसे नहीं पूछो तो मेरे जो अभी लास्ट के जिन बच्चों ने पास आउट किया है उनसे पूछ सकते हो। 100% बहुत हाईली सेटिस्फाइड थे बच्चे, सिर्फ एक ही रीजन की वजह से कि पूरे साल ना हम लोगों ने इतना बोला है, इतना बोला है, इतना बोला है कि अभी तक उनके दिमाग में निकले ही नहीं है और ना निकलेगा आने वाले एक दो साल। इसे बोलना है, पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर। तो हमने बोला फीचर्स तीन तरह के, तीन फीचर्स, अभी हमने सिर्फ तीन फीचर्स फोकस कर रहे हैं। पहला क्या? एग्रीकल्चर। दूसरा इंडस्ट्री और तीसरा क्या है? फॉरेन ट्रेड। इसके अंदर मैंने बताया था एग्रीकल्चर क्या है? बैकवर्डनेस। और इंडस्ट्रियल भी क्या है? बैकवर्डनेस। दोनों ही बैकवर्ड थे और ये दोनों टॉपिक्स को हमने अलग अलग किया था। तो पहले मैं आता हूं एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस में, ऐसे ही इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, इन दोनों को दो दो पार्ट से बांटा गया था। हाँ जी, पहली क्लास के अंदर हमने एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस को अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था क्या? बैकवर्ड इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी ना 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 पहले क्या था? बैकवर्ड एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, और दूसरा क्या था? एग्रीकल्चर का स्टैग्नेशन। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैंने कहा था याद करने का बेस्ट तरीका क्या होता है हमेशा, कि हमें ना पॉइंट्स कितने कितने पॉइंट्स है वो हमें पता होना चाहिए हमेशा। तो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस में कितने पॉइंट थे? तीन। और स्टैग्नेशन में कितने पॉइंट थे? चार। हाँ जी, तो एग्रीकल्चर, पहले हम एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की तरफ आते हैं। यहाँ हमने पहला पॉइंट किया था कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों क्या थी? लो, कम। अच्छा, हमने किया था प्रोडक्शन क्या होता है? आउटपुट। और प्रोडक्टिविटी क्या होती है? पर हेक्टेयर। पर हेक्टेयर। तो ये दोनों ही क्या थे हमारे? कम थे। और इसके अंदर एग्जाम्पल क्या देना है हमें? राइस एंड वीट का। और मैंने कहा था ये कम क्यों था, इसके पीछे दो रीजन थे, पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री बन जाएंगे वहां से। पहला रीजन क्या था? अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी। ये अनसर्टेनिटी किसके ऊपर थी? रेनफॉल के ऊपर, रेनफॉल। ठीक, और दूसरी तरफ तीसरा पॉइंट क्या था? ये हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? खुद के लिए फार्मिंग करना, यानी हम ना मार्केट के लिए करते थे ना फ्यूचर के लिए करते थे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मिंग करते थे। और मैंने बताया था कि इन रीजन की वजह से हम बैकवर्ड थे, और अगर हमें बैकवर्डनेस को कम करना था तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था, यानी इन्वेस्टमेंट करना था। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? तो हम आते हैं दूसरी तरफ एग्रीकल्चर का क्या है? स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन के पीछे फोर रीजंस थे। पहला रीजन था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अच्छा, इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को ना हमने तीन पार्ट से बांटा था। पहला बताएंगे गवर्नमेंट के बारे में, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में। दूसरा बताएंगे जमींदार के बारे में, जिसको कहते हैं टिलर। क्या बोलते हैं? टिलर, सॉरी, जिसको कहते हैं क्या? ऑनर ऑफ द सॉइल। क्या कहते हैं इसको? ऑनर ऑफ द सॉइल। और ऐसे ही लास्ट में कौन है? कल्टीवेटर, जिसे कहते हैं टिलर ऑफ द सॉइल, टिलर ऑफ द सॉइल। हाँ, इसके बारे में बताना क्या होता है कि जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ने जमींदारों को क्या बोला कि हमें फिक्स रेंट दे दो। क्या दे दो? फिक्स रेंट हमें चाहिए, फिक्स टैक्स चाहिए, और उसके बदले में तुम टेलर से जितना चाहे उतना एक्सट्रैक्ट करो, फ्री टू एक्सट्रैक्ट व्हाटएवर दे वांट, वो उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। जिसकी वजह से टेलर्स के पास कुछ भी नहीं बचा, टेलर्स के पास लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं बचा। किस चीज के लिए? इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि उनके अपने पर्सनल खर्चे, फैमिली के खर्चों के अंदर ही सब कुछ निकल जाता था। हाँ भाई, तो इनकी वजह से क्या हुआ? पॉइंट नंबर टू क्रिएट हुआ, जिसमें क्या हुआ? गल्फ वॉर हुई। व्हाट इज गल्फ वॉर? मतलब झगड़ा हुआ किसके बीच में? किसके बीच में? जमींदार एंड टेलर, जमींदार और टेलर्स के बीच में, यानी कल्टीवेटर्स के बीच में। देन फिर पॉइंट नंबर थ्री आया, फोर्स कमर्शियलाइजेशन। साथ साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना फार्मर्स को
क्या किया, फोर्स कॉमर्शलाइजेशन, जो क्या कहता है, ये कहता है कि जो फूड क्रॉप्स थे, क्या थे, फूड क्रॉप्स, उसको उन्होंने कन्वर्ट करवाया कैश क्रॉप। ये फूड क्रॉप, फूड क्रॉप का मतलब होता है यहाँ पर लाइक राइस एंड व्हीट, और यहाँ इसका मतलब होता है इंडिगो। इंडिगो क्या है, जो ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता इंडस्ट्री, हाँ जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता था। तो हमें क्या बताना है, फोर्स कॉमर्शलाइजेशन के अंदर कि ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को ज्यादा लालच दिया, जमींदारों ने किसानों को लालच दिया किस चीज को लेकर, कि फूड क्रॉप पे कुछ नहीं फायदा, आपको क्या करना चाहिए, कैश क्रॉप करना चाहिए। तो कैश क्रॉप ज्यादा पैसा उनको मिल रहा था, लेकिन उसमें से भी ज्यादा पैसा कौन ले जा रहे थे, जमींदार लोग, जिसकी वजह से उनके पास कुछ नहीं बच रहा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर हमारा आया पॉइंट नंबर लास्ट, जो कहता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड, यानी टुकड़े बटे हुए थे, यानी एक किसान के पास छोटे छोटे तीन चार टुकड़े थे, उन सभी टुकड़ों पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट क्या थी, बहुत हाई थी। और वैसे भी हमने बोला था कि जमींदारों के, टेलर्स के पास कुछ बचता नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने के लिए, जमींदार अय्याशी कर रहे थे इसलिए लगाते नहीं थे, और गवर्नमेंट जो थी वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों पे फोकस कर रही थी, उसे एग्रीकल्चर यानी किसानों से कोई मतलब नहीं था। अभी साक्षी पहले तो ये बताओ, जो भी अभी हमने किया इसमें किस पॉइंट पे डाउट है? नहीं सर डाउट तो नहीं है। अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ बोलना है, सुनो। अब ये हमने बोला एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस पे दो पॉइंट है, कितने हैं, दो, पहला दो पॉइंट, पहला प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ना, अरे ना बदतमीज क्या, ऐसी कैसे बात कर रहे हम, ऊपर से यहाँ से शुरू कर रहे हैं। एग्रीकल्चर को दो पार्ट में लेके आना है पहले हमें, पहला क्या है भाई एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, दूसरा क्या है एग्रीकल्चर का स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन अब मैं आता हूँ सिर्फ एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस में, यहाँ तीन पॉइंट आएंगे। पहला क्या, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों क्या थी, कम कम। क्यों, क्वेश्चन देख रहे हैं मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये तरीके होते याद करने के, क्यों क्यों, बिकॉज ऑफ टू रीजंस, बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला अनसर्टेनिटी क्या थी, ज्यादा अनसर्टेनिटी, यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम करते थे, ठीक है। दूसरे बातें हैं, यहाँ पर कितने पॉइंट थे, फोर। याद रखना हमारा दिमाग ना थ्योरी याद नहीं रखता, हमारा दिमाग नंबर्स याद रखता है, नंबर्स बहुत इजीली याद रखता है, इसलिए मैं बार बार नंबर्स की तरफ फोकस कर रहा हूँ। कितने पॉइंट थे, फोर। पहला लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दूसरा हमारा गल्फ वॉर, उस लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से झगड़े हो गए गल्फ वॉर, और उन्होंने उनको फोर्स किया किसके लिए, हमें फोर्स कॉमर्शलाइजेशन यानी फूड क्रॉप कैश क्रॉप में कन्वर्ट करो। एंड लास्ट पॉइंट कि उनके पास टेलर्स के पास गरीब किसानों के पास क्या था, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड थी, बटी हुई थी, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट क्या थी, बहुत ज्यादा हाई। अच्छा मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, पहले तुम जैसे देख पा रहे होगे मैं हर चीज के अंदर ना बहुत ही लिमिटेड पॉइंट रखता हूँ समझाने के लिए, कि इसके अंदर ये तीन पॉइंट है, जो भी मैं रखता हूँ ना सिर्फ यही लिखने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, और 100% मार्क्स आएंगे, 100% मार्क्स बोल रहा हूँ, टीचर स्कूल का टीचर भी एक नंबर नहीं काट पाएगा, बोर्ड तो मतलब ही नहीं है काट ले, स्कूल का टीचर भी एक पॉइंट नहीं काट पाएगा, क्योंकि जो हम लिखेंगे ना वो इस बात की गारंटी है कोई नहीं लिख पाएगा एग्जैक्ट पॉइंट जो बोर्ड को चाहिए, क्लियर है। इसलिए याद रखना कि हम ये, तुम्हें लग रहा हो कि सर एक पॉइंट के अंदर आपने बहुत कम बोला है, कम नहीं बोला, इतना ही है, इतना ही है, जबरदस्ती अपनी कहानियां नहीं बनानी है इसके अंदर कि हम कहानियां बना के लिखे। हाँ जी, अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, वो क्या था, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। ये हमने इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस हमने कब की थी, कल। हाँ भाई, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस हमने कब की थी, कल वाली क्लास में की थी। साक्षी तुमने कल की क्लास ली थी? यस सर। ठीक है, हाँ भाई, कल की क्लास में हमने पढ़ा था इंडस्ट्री जो थी यहाँ पर दो चीजें थी, एक तो क्या था, डिके, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या है, हैंडीक्राफ्ट बर्बाद होता चला गया है ना, और दूसरी तरफ क्या, ब्लीक ग्रोथ, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। मैं फिर तुम्हें बोलना चाहता हूँ, याद रखना दिस इज वेरी टफेस्ट पार्ट, क्या चीज, एक इंडियन इकोनॉमी बहुत टफेस्ट है, मतलब ही नहीं है किसी को पॉइंट याद हो जो मैं बोल रहा हूँ, एक बार ट्रस्ट करते हुए उतना, जब तक हम पहले पहले चैप्टर खत्म करेंगे ना इकोनॉमिक्स और बिजनेस के, मैं कह रहा हूँ तुम्हें मजा तब आएगा जब 100% चैप्टर तुम्हें याद होगा, लेकिन कैसे, मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे तरीके से, तो वहां पर नोट्स नहीं है, बुक भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने पॉइंट में बोल रहा हूँ वो करो खाली,
और जब बुक पकड़ोगे जब भी ना तो बोलोगे सर क्या सर आपने ये हम लोगों को बर्बाद कर दिया। मैं अक्सर बच्चों को बर्बाद कर देता हूँ। हाँ जी हमने क्या बोला अभी साक्षी बेटा कितने इंडस्ट्रियल जो बैकवर्ड टेस्ट थी उसमें कितने पॉइंट आएंगे? डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स में 5। याद रखना जब ये बात करें ना पहले नंबर्स काउंट करने हैं। कितने पॉइंट आएंगे? 2 है ना। कितनी हेडिंग आएगी? 2 हेडिंग आएगी। पहला क्या आएगा? डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट और दूसरा ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न मतलब क्या मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत कम हुई। ठीक है अब हम आते हैं फिर से। मैंने इसके नंबर्स बताए थे नंबर्स कितने हैं। पहले में थे यहाँ पर 5 पॉइंट थे और यहाँ पर थे हमारे पास 3 पॉइंट अभी 5 और 3। तो डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट में कितने पॉइंट थे? 5। सबसे पहला पॉइंट डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट हमने कहा था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें तुम्हें बताना क्या है? इसमें सिर्फ तुम्हें बताना है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। मेरी बात ध्यान सुनना, ये बताओ पहले कि हम लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे? हैंडीक्राफ्ट, रॉ मटेरियल। हाँ एक रुको, हम लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे? एक तरफ हैंडीक्राफ्ट, किसको? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। किसको? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। और हम लोग दूसरा एक्सपोर्ट क्या करते थे? रॉ मटेरियल। ये किसको करते थे? ब्रिटेन को, यानी ब्रिटिशर्स को। ठीक है ऐसे ही हम इंपोर्ट क्या करते थे? कैपिटल गुड्स, फिनिश गुड्स। अगेन ये किससे करते थे? ब्रिटिशर्स से। इसके अलावा और क्या इंपोर्ट करते थे? कैपिटल गुड्स क्या होती है? मशीन। ये भी किससे इंपोर्ट करते थे? ब्रिटिश। हाँ भाई तो तुमने एक चीज नोटिस की, हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते क्या थे? हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट और रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट। राइट किसको? हैंडीक्राफ्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स को। फिनिश गुड्स हम इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन से और कैपिटल गुड्स भी हम इंपोर्ट करते थे किससे? ब्रिटेन। ठीक है अब इसमें बताना क्या है मेन, इन्होंने बोला है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो हैंडीक्राफ्ट के ऊपर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को टैक्स क्या कर दिया गया? ज्यादा। रॉ मटेरियल जो ब्रिटेन ले गया उस पर टैक्स क्या लिया गया? कम। और कैपिटल गुड्स उसके ऊपर टैक्स क्या लगा? सॉरी फिनिश गुड्स जो थे उसके ऊपर टैक्स, जो फाइनल गुड्स हमारे पास आते थे उसके ऊपर टैक्स क्या लिया? कम। और जहां तक हम बात करें कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स क्या थी? मशीनें। तो वो मशीनों उन्होंने हमें क्या की? एक्सपोर्ट किया, हमने क्या की? इंपोर्ट। बस ये चीज लिखी है तुम्हें, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। यहां से कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है? ये ड्रॉ होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो उनके साथ लेन देन था वो तो उन्होंने बहुत कम टैक्स पे किया, जबकि हमारा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो बहुत ज्यादा रेट पे किया। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या प्रॉब्लम हुई? हाँ भाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या प्रॉब्लम हुई? इसकी वजह से हमारे गुड्स जो थे, हमारे हैंडीक्राफ्ट जो थे, वो क्या हो गए? कॉस्टली। जिसकी वजह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने भी हमारे गुड्स नहीं खरीदे, जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट का क्या हुआ? डिके। क्लियर है? वापिस समझते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बताना है। एक्सपोर्ट किसका? हैंडीक्राफ्ट का, रॉ मटेरियल का। हैंडीक्राफ्ट ज्यादा टैक्स का बेचा गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स को बेचा गया कम टैक्स के साथ। ऐसे ही फिनिश गुड्स का इंपोर्ट और कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट, फिनिश गुड्स का इंपोर्ट कम टैक्स पे और कैपिटल गुड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सॉरी ये ब्रिटेन से, यानी मशीनें खरीदी गई लेकिन बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रीज के लिए। अभी क्लियर है यहां तक? यस सर। पॉइंट नंबर टू कहता है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के बाद कि हुआ क्या था। मैंने बताया था कल, एक तो ये इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही थी यहाँ पर। इंटरनेशनल का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या लेन देन चल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये जो फिनिश गुड्स हमारे इंडिया में आए, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से हमें कॉम्पिटिशन बढ़ गया। किससे? फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। हाँ भाई तो हमने क्या बोला दूसरा पॉइंट कि जो हम लोगों ने वहां से फिनिश गुड्स परचेस किए, उन फिनिश गुड्स जो कि सस्ते दाम पर थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट क्या हो गए? कॉस्टली हो गए। और वेस्टर्न गुड्स क्या हो गए? चीपर हो गए, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को मशीन मेड गुड्स के साथ क्या करना पड़ा? कॉम्पिटिशन। क्लियर है ये?
अब तुम बोलोगे सर इसमें लिखना क्या है, अरे ऊपर लिखा तो हुआ है, वही सेम कहानियां हैं, वही सेम कहानी तुम्हें लिखनी है कि हम लोग जो गुड्स इंपोर्ट किया करते थे फाइनल गुड्स, कम टैक्स उस पर ब्रिटेन ने लगाया जिसकी वजह से वो चीपर हो गए और हमारे हैंडीक्राफ्ट कॉस्टली हो गए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर क्या हुआ, हमारे इंडस्ट्री को कंपटीशन करना पड़ा किसके साथ, मशीन मेड गुड्स के साथ, मतलब ब्रिटिश गुड्स के साथ। क्लियर है पॉइंट नंबर थ्री। इसकी वजह से क्या हुआ, मशीन मेड गुड्स जो आए थे उसकी वजह से न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड आया, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड आई। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, वेस्टर्न गुड्स की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। अगेन फिर वही बात बतानी है कि ये वेस्टर्न गुड्स क्या थे, मशीन मेड गुड्स थे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए गए थे और सस्ते भी थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने इनकी डिमांड क्या कर दी, एकदम से इंक्रीज कर दी। पॉइंट नंबर फोर, हाँ जी, ये जो गुड्स फिनिश गुड्स इंडिया में आए, इसको इंडिया के इंटीरियर्स तक पहुंचाने के लिए, क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवेज का डेवलपमेंट किया गया, यानी रेलवे को डेवलप किया, मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया, रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, किसने किया, ब्रिटिशर्स ने। अच्छा क्यों किया, मैंने भी बोला इंटीरियर्स तक अपने फिनिश्ड गुड्स पहुंचाने के लिए, मतलब अगर हम ये कहें कि इंडिया में लाइक इस तरह से अगर पोर्ट यहां है, पोर्ट यहां है और जे एंड के तक सामान पहुंचाना है तो कैसे पहुंचेगा, यूपी तक सामान पहुंचाना है, हमारे पास चंडीगढ़ तक सामान पहुंचाना है, कैसे पहुंचेगा इंटीरियर्स तक, तो उसके लिए उन्होंने क्या डेवलप किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, रेलवे। तो इसको हमने क्या बोला, रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया, किस चीज के लिए, इंटीरियर्स तक, सब बस और कुछ भी नहीं आएगा, रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि वो अपने फिनिश गुड्स को हमारे देश के इंटीरियर्स तक पहुंचाए और हमारे हैंडीक्राफ्ट को कंपीट कर पाए। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट जिसमें हमने कहा था, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसली कोर्ट क्या होता है, जो हमारे नवाब्स और प्रिंसेस थे उन लोगों का, जो वो खुद ही गुलाम बन चुके थे, सीधी बात है। तो जब तक राजा महाराजा हुआ करते थे, वो हैंडीक्राफ्ट को वो पैट्रियोटिक फीलिंग के थ्रू बनाया करते थे, तो लोगों के अंदर पैट्रियोटिक भावना डालते थे जिससे कि लोग क्या करें, हैंडीक्राफ्ट को खरीदे और हैंडीक्राफ्ट को प्रोड्यूस करें, ज्यादा से ज्यादा बनाए। तो हुआ क्या यहाँ पर, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट, राजा महाराजाओं का राज्य खत्म हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उनको कहना चाहिए कि जो उनको पेट्रियोटिक फीलिंग थी वो खत्म हो गई लोगों की, जिसकी वजह से लोगों ने ना ही हैंडीक्राफ्ट को यूज किया और ना ही लोगों ने प्रोड्यूस किया। तो इस तरह से हमें कितने पॉइंट पड़े, ये थे पांच पॉइंट जो बता रहा है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट का, मतलब हैंडीक्राफ्ट क्या हुआ, धीरे धीरे वो खत्म होने लगा। अगेन पहला पॉइंट, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अभी पहला पॉइंट डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। पॉइंट नंबर टू क्या हुआ, कंपटीशन आया, किसका, मशीन मेड गुड्स का कंपटीशन। मशीन मेड गुड्स, साक्षी बोलना भी है, बोलोगे तो जल्दी समझ में आएगा। पहला पॉइंट डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ये तो आयुषी बोली है, साक्षी बोली है, नहीं मैं आयुषी, साक्षी की आवाज गई क्या बेटा, तुम्हारी वॉइस एक तो ऐसे भी कम आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक बार पांचों पॉइंट को हम बात कर रहे हैं, वैसे तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं पांचों के पांचों पॉइंट, दिखाई दे रहे होंगे ना सामने लिखे हुए पांचों पॉइंट। यस सर। हाँ, तो इसको थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलना है। नहीं तो हमने क्या बोला, डेके ऑफ हैंडीक्राफ्ट में कितने पॉइंट है, पहले कितने पॉइंट है बोलो, फाइव। पहला क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जिसमें क्या बताना है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर जो भी हम करते थे उसके ऊपर टैक्सेस के बारे में बताना है बस, ठीक है। पॉइंट नंबर टू कंपटीशन फॉर मशीन मेड गुड्स, मशीन मेड गुड्स का कंपटीशन आया, जहां पर तुम्हें कौन सा पॉइंट कवर करना है, ये वाला पॉइंट, ये कि जो फिनिश गुड्स हमारे यहाँ आए थे इनकी वजह से क्या हुआ, इनकी वजह से मशीन मेड गुड्स का कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया। पॉइंट नंबर थ्री, जब वो मशीन मेड गुड्स आए तो वेस्टर्न कल्चर आया, तो क्या बोल रहे हैं, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, नई डिमांड, किस चीज की पैटर्न था वो, वेस्टर्न गुड्स की डिमांड बढ़ने लगी, वेस्टर्न गुड्स की डिमांड क्या होने लगी, बढ़ने लगी। देन फिर रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, किसके लिए, फिनिश गुड्स को इंटीरियर्स तक पहुंचाने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट,
प्रिंसली कोट जो था, यानी क्या बोल रहे हो, डिसअपीयरेंस हो गया, मतलब क्या कि राजा महाराजा का राज्य खत्म हो गया, जिसकी वजह से पैट्रियोटिक फीलिंग खत्म हो गई। क्लियर है? एक फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से पांचों पॉइंट सिर्फ पॉइंट बोलने, हेडिंग हेडिंग बोलनी है। पहला पॉइंट डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। पॉइंट नंबर टू कंपटीशन फॉर मशीन मेड गुड्स विद मशीन मेड गुड्स। थर्ड पॉइंट न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड जो कहता है वेस्टर्न गुड्स के बारे में। पॉइंट नंबर फोर्थ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। किस चीज के लिए? इंटीरियर्स तक पहुंचाने के लिए। लास्ट पॉइंट डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड। इसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, ब्लीक, जिसे हम बोल रहे हैं ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो ये ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री का मतलब क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमने कुछ तुम्हें याद कल की क्लास में बताया था इस तरह से, एक तरफ हम बात करेंगे प्राइवेट की, एक तरफ बात करेंगे गवर्नमेंट, ठीक है ना, एक तरफ प्राइवेट की, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की, और तीसरी तरफ किस चीज की बात की गई थी? कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स, तीन बातें करनी है हमें। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा प्राइवेट को लेकर, जिसमें हमने कहा था कि क्या था, सम इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड, किसने की थी? एस्टैब्लिश्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। अच्छा, ये वैसे तुम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि बहुत कम इंडस्ट्रीज थी जो कौन चलाता था, प्राइवेट सेक्टर। दूसरी तरफ लिमिटेड स्टेट पार्टिसिपेशन, मतलब गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन क्या था, बहुत कम। और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की बात करें तो नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, हमारे यहाँ पर कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, मतलब हमारे यहाँ मशीनें बनती नहीं थी, हम क्या करते थे, इम्पोर्ट, हम क्या करते import, थे मशीनों को इम्पोर्ट। तो अब देखो इन तीनों पॉइंट्स के अंदर क्या लिखना है। पहला जो प्राइवेट वाला है, यहाँ पर तुम लिखोगे, एक तो हमें रेलवे को, मैंने कल बताया था, इस रेलवे को डेवलप करने के लिए हमें एक तो क्या चाहिए था, आयरन एंड स्टील, क्या चाहिए था, आयरन एंड स्टील। तो आयरन एंड स्टील कंपनी कौन लेके आया था, टाटा। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, सीमेंट चाहिए था, सीमेंट। तो सीमेंट इंडस्ट्री कौन लाया, इंपॉर्टेंट नहीं है, सीमेंट इंडस्ट्री हमें चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है। ऐसी पेपर इंडस्ट्री चाहिए थी, पेपर इंडस्ट्री। और ऐसी एक और नया पॉइंट जोड़ रहा हूँ मैं, जिसे कहते हैं शुगर इंडस्ट्री। कौन सी? शुगर इंडस्ट्री। तो ये वो इंडस्ट्रीज है जहां पर प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दी गई कि आप आओ आके बिजनेस करो। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने क्या ठेका लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का। कितने पॉइंट थे याद है? चार बताए थे मैंने इसके अंदर, चार। अब हमने क्या कर दिया, पहले में भी चार पॉइंट कर दिए हैं, इसमें भी चार पॉइंट कर दिए हैं। चार कौन कौन से? पहला रेलवे, रेलवे, रेलवे। दूसरा पोर्ट, पोर्ट्स, पोर्ट्स जो थे, पोर्ट्स यानी जो हमारे ऐसे पावर, और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ये चारों माने जाते हैं क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर का ठेका लिया, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो चीजें चाहिए होती है वो किसको दे दी, प्राइवेट सेक्टर को, कि आप आओ बिजनेस करो जहां पर इन्वेस्टमेंट करना था। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कितने पॉइंट आए, चार पॉइंट, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री, पेपर, शुगर। ऐसे ही गवर्नमेंट में क्या रखा हमने, रेलवे उन्होंने एस्टेब्लिश किया, पोर्ट एस्टेब्लिश किया, पोर्ट, पावर, पावर और पावर, कम्युनिकेशन, इन चारों को एस्टेब्लिश किया। और लास्ट पॉइंट क्या रख दिया हमने, नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। बोले तो क्या हमारे यहाँ पर मशीन मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, क्या होती थी, सिर्फ इम्पोर्ट होती थी, इम्पोर्ट। क्लियर? तो इसके साथ हम एक बार फिर से अपनी जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है इसके पॉइंट्स की हेडिंग की बात कर रहे हैं सिर्फ। अब पहले इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में कितनी हेडिंग आएंगी, दो, दो, कितनी है, दो, पहली दो, डिक्री ऑफ हैंडीक्राफ्ट, दूसरा ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ठीक है। तो पहले डिक्री ऑफ हैंडीक्राफ्ट में कितने पॉइंट आएंगे, फिर से फाइव पॉइंट्स, पहला डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी, दूसरा कंपटीशन फॉर मशीन मेड गुड्स, मशीन मेड गुड्स का कंपटीशन बढ़ा, तीसरा न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, यानी वेस्टर्न गुड्स की बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट रेलवेज, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इंट्रोड्यूस किया गया, एंड लास्ट पॉइंट प्रिंसली कोर्ट का डिसअपीयरेंस हो गया, प्रिंसली कोर्ट्स। और दूसरी तरफ हम कहा गए ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, जिसमें तीन पॉइंट है, एक तरफ प्राइवेट सेक्टर का, एक गवर्नमेंट का, और दूसरा लास्ट पॉइंट कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स। तो प्राइवेट में क्या बोलेंगे, सम इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, जिसमें चार इंडस्ट्री लेके आ जाएंगे, पहला आयरन एंड स्टील, आयरन, सीमेंट, और पेपर, शुगर, शुगर।
ऐसी गवर्नमेंट को बोलेंगे लिमिटेड गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन था, चार इंडस्ट्रीज अगेन रेलवे पोर्ट पावर और पोर्ट कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या कवर कर लेंगे इसके अंदर, नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, इसका मतलब हमारे इंडिया में मशीनें मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, हम लोग मशीनें क्या करते थे सिर्फ इंपोर्ट किया करते थे। क्लियर है? यस हाँ भाई क्लियर है। आ जाओ फिर बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से, हमारे पास मुश्किल से अब 3 मिनट 4 मिनट बचे होंगे। अभी देखना मैंने क्या बोला था, हम क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स। फीचर्स कितने रखे थे मैंने, 3। पहला अब तुम्हें बोला नहीं है, मैं से बोलूंगा तुम्हें से एक बार सुनना है ध्यान से। 3 फीचर्स रखे थे, पहला रखा था एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, दूसरा था इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, तीसरा था फॉरेन ट्रेड के बारे में। हमने जब एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की बात की थी तो मैंने कहा था इसको हमने एग्रीकल्चर को 2 पार्ट से बांट देते हैं, एक तरफ आता है एग्रीकल्चर का बैकवर्डनेस, एक तरफ आता है क्या एग्रीकल्चर का स्टैग्नेशन। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने 2 पार्ट से बांटा था, एक तरफ आया था क्या डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, एक तरफ आया था ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, जिसके अंदर कितने कितने पॉइंट रखे थे मैंने। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस में थे पहले 3 पॉइंट और एग्रीकल्चर का स्टैग्नेशन में थे 4 पॉइंट, ऐसे ही डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट में थे 5 पॉइंट और वहां पर थे 3 पॉइंट। सिर्फ मैं हेडिंग हेडिंग बोलूंगा, आप कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके आगे। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या था, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी क्या दोनों क्या हुई कम, रीजन क्या थे 2, तो पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 इज द रीजन। पहला क्या था, अनसर्टेनिटी बहुत क्या थी ज्यादा, और क्या सब्सिस्टेंस फार्मिंग हुआ करती थी, कौन सी फार्मिंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग हुआ करती थी। फिर मैं आता हूँ दूसरी तरफ, क्या जहां पर की 4 पॉइंट थे स्टैग्नेशन के, पहला लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसकी वजह से क्या होता था गल्फ होता था, झगड़ा होता था गल्फ बिटवीन जमींदार एंड किलर्स, पॉइंट नंबर 3, और उन्होंने फोर्स कमर्शियलाइजेशन किया, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में कन्वर्ट किया, एंड लास्ट पॉइंट इसका कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड क्या थी लैंड। दूसरी तरफ हम आते हैं इंडस्ट्री को लेकर, पहले 5 पॉइंट थे, पहला क्या था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, क्या था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, इसमें टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, उसके बारे में बताना था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टैक्स के बारे में बताना था। पॉइंट नंबर टू जिसमें क्या हुआ था कॉम्पिटिशन किससे बढ़ गया था, मशीन मेड गुड्स के साथ कॉम्पिटिशन बढ़ गया था। पॉइंट नंबर थ्री इसमें न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड क्रिएट हो गई थी, मतलब वेस्टर्न गुड्स की डिमांड क्रिएट हो गई थी। अच्छा एक और चीज, ऐसे अगर तुम चाहो तो पॉइंट टू पॉइंट में लिखोगे तो न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड लिखोगे, और अगर पॉइंट ना भी याद आ रहा है तो लिख सकते हो कि क्या वेस्टर्न गुड्स की डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना। ये सब क्यों लिखते हैं, जब हम फेस टू फेस क्लास में आएंगे तब बताएंगे कि क्यों लिखा जाता है ना, कि दोनों ही चीजें सही कैसे हो सकती है। पॉइंट नंबर फोर इंट्रोडक्शन किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, और पॉइंट नंबर 5 क्या हमारा डिसअपीयरेंस हो गया प्रिंसली कोर्ट का, प्रिंसली कोर्ट का मतलब राजा महाराजाओं का डिसअपीयरेंस हो गया, जिसकी वजह से पैट्रियोटिक फीलिंग क्या हो गई खत्म हो गई। ब्लीक ग्रोथ के अंदर पहले बात करेंगे प्राइवेट की, फिर हम बात करेंगे क्या गवर्नमेंट की, पॉइंट नंबर 2, और फिर थर्ड बात करेंगे किसकी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की। तो कैपिटल प्राइवेट में क्या बोलेंगे, अब सम इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड बाय प्राइवेट, एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट के लिए क्या बोलेंगे लिमिटेड गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन, अगेन 4 चीज लेकर आए, रेलवे पोर्ट पावर कम्युनिकेशन। ऐसे जब हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स की बोलेंगे नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, नो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी तो हम क्या करते थे सिर्फ इम्पोर्ट किया करते थे, ठीक है। अच्छा मैं ना अभी अपना हो तो चुका है, ये जो हम जो इंडियन इकोनॉमी जो पढ़ रहे हैं ना, मैं इसके ना पापा चार्ट्स तुम लोगों को व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, है ना, जिससे कि तुम्हें एक बार पढ़ने के लिए मटेरियल मिल जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो है क्या, क्लियर है। तो मैं तुम लोगों को हमारे व्हाट्सएप पे PDF भेजूंगा इसके पापा चार्ट्स की, वो देख लेना तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा और बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो ये बताओ हम क्या टाइम कर ले जिससे कि हम सब लोग प्रॉपर तरीके से बैठ पाए।